गुड मॉर्निंग आई वेलकम यू ऑन बिहाफ ऑफ बाइबल मिनिस्ट्री जयपुर आई एम सी एस रत्ना सामी एंड आई वुड लाइक टू शेयर अ स्मॉल मैसेज इन इंग्लिश एंड फॉलोड बाई इन हिंदी सुप्रभात बाइबल मिनिस्ट्री की ओर से मैं सी एस रत्ना सामी आपके साथ एक छोटा सा संदेश साझा करना चाहूँगा जो पहले तो हिंदी में होगा और फिर अंग्रेजी में अंग्रेजी में भी दिया जाएगा आज का विषय है अपने उद्धार के लिए यीशु पर विश्वास करें मती उन्नीस सोलह खोल के अगर हम पढ़ें, तो वहां यूँ लिखा है और देखो एक मनुष्य ने पास आकर उससे कहा हे hey गुरु मैं कौन सा भला काम करूं कि अनंत जीवन पाऊं सतह पर ऐसा प्रतीत होता है कि ये अमीर युवा शासक सही था जिस तरह से उसने यीशु से संपर्क किया और उद्धार की मांग की वे यीशु के सामने घुटने टेक दिए और खुले तौर पर उसे एक अच्छे गुरु के रूप में माना उसमें गलत क्या हो सकता है सबसे पहले उसने यीशु को परमेश्वर के रूप में नहीं बल्कि अच्छे के रूप में स्वीकार किया ये एक महत्वपूर्ण बिंदु है दुनिया का हर प्रमुख धर्म स्वीकार करता है कि यीशु जीवित था और यह भी स्वीकार करेगा कि वह निश्चित रूप से एक अच्छा इंसान था लेकिन उस वे उसे परमेश्वर के रूप में नहीं पहचानेंगे यदि यीशु केवल एक अच्छा आदमी था तो वह किसी को भी नहीं बचा सकता था यीशु हमें सिर्फ परमेश्वर को रास्ता दिखाने नहीं आया वह ही रास्ता था पिता का एकमात्र रास्ता कोई भी व्यक्ति पिता के पास नहीं आ सकता लेकिन उसके द्वारा जैसा योना चौदह छह में यीशु मसीह ने कहा मैं ही मार्ग मैं ही सत्य और मैं ही जीवन हूं मेरे बगैर कोई पिता के पास नहीं आ सकता यीशु ने पहले भी कई बार इस बात को सार्वजनिक किया था यही कारण है कि यीशु ने उस युवक के सवाल का जवाब दिया जिस तरह से उसने किया था यीशु कह रहे थे परमेश्वर केवल वही है जो अच्छा है आपको मुझे परमेश्वर के रूप में स्वीकार करना चाहिए या बिल्कुल नहीं यीशु या तो वह था जो उसने दावा किया था या वह सबसे बड़ा धोखा था जो कभी रहता था उसे एक या अन्य था होना चाहिए वे दोनों नहीं हो सकता दूसरा उसने पूछा कि उद्धार उत्पन्न करने के लिए वे क्या कर सकता है वे खुद पर भरोसा करता था और मानता था कि यीशु जो भी अच्छा काम कर सकता है उसे वे पूरा कर सकता है ये पूरी तरह से उद्धार की योजना के विपरीत है जिसे यीशु लाने के लिए आया था यीशु ने अपने प्रतिष्ठापन के माध्यम से हमारे लिए उद्धार प्राप्त किया और वह हमें एक मुफ्त उपहार के रूप में प्रदान करता है हम सभी को विश्वास करना चाहिए और प्राप्त करना चाहिए ये अमीर युवा शासक एक उद्धारकर्ता की तलाश में नहीं था वह अपने स्वयं के उद्धारकर्ता बनने की कोशिश कर रहा था यही कारण है कि यीशु ने उसे आज्ञाओं के लिए वापस भेजा उसे या तो व्यवस्था की पूरी तरह से बनाए रखने की जरूरत थी या उसे एक उद्धारकर्ता की जरूरत थी यीशु ने उस आदमी को अपने आप में पर, अपने आप को परमेश्वर का आदर्श मानकर उस पर भरोसा करने से रोकना चाहा, जिसे कोई भी नहीं कर सकता था ताकि तब वे एक उद्धारकर्ता पर भरोसा करें। ट्रस्ट इन जीजस एज योर सेवियर वेन वी ओपन मैथ्यू नाइनटीन सिक्सटी इट रीड्स एज अंडर and behold one came and said unto him, good master, what good thing shall i do that i may have eternal life? on the surface it appears that this rich young ruler was right on in the way he approached jesus and sought salvation. he, can, he ran, kneeled down to jesus, and openly professed him as a good master. what could be wrong with that? First, he acknowledged Jesus as good but not as God. This is a pivotal point. Every major religion of the world acknowledges that Jesus lived and will even admit that he definitely was a good man, but they won't recognize him as God. If Jesus was only a good man, he couldn't save anybody. Jesus didn't just come to know, to show us the way to God he was the way, the only way unto the father. no man could come unto the father but by him, as jesus said in john 14:16: "i am the way, i am the life, and i am the truth. no man can approach the father without me." jesus had made this point publicly many times before. this is the reason that jesus responded to this young man's question the way he did. Jesus was saying, God is the only one who is good. You must accept me as God or not at all. Jesus was either who he claimed to be or he was the biggest fraud that ever lived. He has to be one or the other. He cannot be both. Second, he asked what he could do to produce salvation. He trusted in himself and believed he could accomplish whatever good work jesus might request this is completely opposed to the plan of Je salvation that jesus came to bring jesus obtained salvation for us through his substitution and he offers it to us as a free gift all we must do is believe and receive. this rich young ruler wasn't looking for a savior he was trying to be his own savior. This is the reason Jesus referred him back to the commandments. He either needed to keep all the law perfectly or he needed a savior. Jesus desired to turn this man from trusting in himself by showing him God's perfect standard, which no one could keep, so that then he would trust in a savior. Let's pray. Lord, we thank you. दैट यू आर द सेवियर आप ही उद्धार करता एंड यू आर द लॉर्ड आप ही प्रभु हैं प्रभु हम तेरा धन्यवाद देते हैं लॉर्ड वी थैंक यू दैट वी हैव एक्सेप्टेड यू एज आर लॉर्ड एंड सेवियर एंड कन्फेस्ट यू खुदामन हम तेरा शुक्रिया करते हैं कि हमने तुझे अपना उद्धार करता प्रभु अंगीकार किया है और ग्रहण किया है लॉर्ड वी प्रे दैट वी मे वॉक बाई फेथ खुदामन हम विश्वास के अनुसार चलने वाले हो सके थैंक यू लॉर्ड वी ब्लेस्ड अस विद दिस मॉर्निंग वर्ड इन अ वंडरफुल वे खुदावन हम धन्यवाद देते हैं कि आज तूने इस वचन से हमें आशीषित किया है आगे आज का दिन तेरे अनुग्रह में चलने वाले हुआ लॉर्ड वी मे वॉक एंडर द ग्रेस ऑफ गॉड टूडे थ्रू आउट द डे वी थैंक यू एंड वी ब्लेस यू हम आपको आशीषित करते हैं यीशु के नाम से मांगते हैं वी आज दिस प्रे इन द Wonderful and matchless name of Jesus. Amen.